समझो ना सरा तुम। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ गाइस, आपको जिस तरीके का न्यू कमाल का लव स्टेटस वीडियो कैसे बना सकते हो। तो गाइस, इस वीडियो को बनाने से पहले करने क्या है, आपको इस वीडियो कर देना एक लाइक, और आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि मेरे द्वारा डाला गया इसी तरीके का नया नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो सबसे पहले गाइस, आपको अपना काइन मास्टर ओपन कर लेना है। काइन मास्टर ओपन करने के बाद इस आपको यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर देना। प्लस वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद इस आपको यहाँ पे 16x9 का साइज सिलेक्ट कर लेना है। 16x9 का साइज सिलेक्ट करने के बाद इस आपको यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक कर देना, और सेटिंग पे क्लिक करने के बाद इस आपको यहाँ पे एडिटिंग पे चले जाना है। एडिटिंग पे जाने के बाद इस आपको यहाँ पे फुल स्क्रीन सिलेक्ट कर लेना है। फुल स्क्रीन सिलेक्ट करने के बाद गाइस, आपको यहाँ पे टिक कर लेना। टिक करने के बाद गाइस, आपको करने क्या है, सिंपली मीडिया पे क्लिक कर देना, और मीडिया पे क्लिक करने के बाद गाइस, आपको करने क्या है, यहाँ पे आपको अपनी सारी फोटो ऐड कर लेनी है। तो यहाँ पे गाइस, आप जो भी फोटो ऐड करना चाहें तो यहाँ पे आपको इस तरीके से अपनी सारी फोटो को यहाँ पे इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हो, मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे इन सभी फोटो को इस तरीके से सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। फोटो सिलेक्ट करने के बाद ही सबको करने क्या है, सिंपली यहाँ पे कर लेना है टिक। टिक करने के बाद ही सबको करने क्या है, सिंपली इसकी स्टार्टिंग पे आ जाना, और स्टार्टिंग पे आने के बाद ही सबको करने क्या है, यहाँ पे आपकी जो भी फोटो सही से सेट ना हो तो आप किस वाले ऑप्शन में क्लिक करके इक्वल करके इस तरीके से यहाँ पे अपनी फोटो को कुछ इस तरीके से अच्छे से सेट कर लेना है। तो यहाँ पे गाइस, इसी तरीके से आपको यहाँ पे अपनी सही फोटो के ऊपर इस तरीके से क्लिक करना है, और इस तरीके से यहाँ पे आपको अपनी सही फोटो को सेट कर लेना है। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हैं, यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे इन सभी फोटो को सेट कर दे रहा हूँ। गाइस देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने अपनी सभी फोटो को कुछ इस तरीके से सेट कर दिया है। तो सभी फोटो को सेट करने के बाद इस आपको करने क्या है, सिंपली आपको यहाँ पे स्टार्टिंग पे आ जाना है। स्टार्टिंग पे आने के बाद इस आपको करने क्या है, सिंपली इन पे ट्रांजेक्शन ऐड कर लेने हैं। ट्रांजेक्शन ऐड करने के लिए गाइस आपको करने क्या, सिंपली इस व्हाइट वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है आपको, और व्हाइट वाले ऑप्शन में क्लिक करने के बाद इस आपको यहाँ पे गेट मोर का ऑप्शन मिल जाएगा। तो गेट मोर के ऑप्शन में क्लिक कर देना, और गेट मोर के ऑप्शन में क्लिक करके गाइस आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक वाइफ वाला ट्रांजेक्शन डाउनलोड कर लेना है। तो डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे इस तरीके से सिलेक्ट करना, तो यहाँ पे आपको पहला वाला सिलेक्ट कर देना है। पहला वाला सिलेक्ट करने के बाद इस आपको अगले वाले व्हाइट वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना, और यहाँ पे आपको दूसरे नंबर का ट्रांजेक्शन ऐड कर लेना है। और इसी तरीके से गाइस आपको अगले वाले ट्रांजेक्शन के ऊपर क्लिक करना, और यहाँ पे आपको इसके तीसरे नंबर का सिलेक्ट कर देना, और फिर से आपको अगले वाले ट्रांजेक्शन के ऊपर क्लिक कर देना है, और आपको यहाँ पे चौथे नंबर का, और फिर से आपको अगले वाले ट्रांजेक्शन के ऊपर क्लिक कर देना, और यहाँ पे आपको इस तरीके से पांचवें नंबर का, और फिर से आपको अगले वाले ट्रांजेक्शन के ऊपर क्लिक कर देना है, और यहाँ पे आपको छठवें नंबर का, और फिर से आपको अगले वाले ट्रांजेक्शन के ऊपर क्लिक करना, और यहाँ पे इस तरीके से अपना जो भी मन हो आप यहाँ पे ऐड कर लेना। तो गाइस आप अपने हिसाब से यहाँ पे इन सभी पे ये वाला ट्रांजेक्शन ऐड कर देना। ट्रांजेक्शन ऐड करने के बाद इस आपको करने के सिंपली इस फोटो का साइज कुछ इस तरीके से यहाँ पे इन सभी की लेंथ छोटी कर लेनी है। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हो, मैं कुछ इस तरीके से इन सभी फोटो की लेंथ सेट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से इनकी लेंथ सेट कर देना। लेंथ सेट करने के बाद इस आपको करने के सिंपली इस वीडियो का लेना है सेव। सेव करने के लिए इस आपको करने के सिंपली शेयर वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना। शेयर वाले ऑप्शन भी क्लिक करने के बाद इस आपको यहाँ पे 1080 रेशियो सिलेक्ट करके ब्राइटनेस आई करके इसको एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है। तो जैसा गाइस देख सकते हैं, ये वीडियो एक्सपोर्ट हो रहा है। जैसे ही ये लाइनिंग पूरा हो जाएगा तो गाइस आपका ये वीडियो बन के गैलरी पे सेव हो जाएगा। तो गाइस आपको यहाँ पे 1-2 मिनट का वेट कर लेना है। 1-2 मिनट बाद गाइस आपका ये वीडियो बन के सेव हो जाएगा। तो जैसा गाइस देख सकते हैं, ये वीडियो बन के सेव हो गया है। सेव होने के बाद इस आपको करने क्या है, सिंपली यहाँ से आपको हो जाना है बैक। बैक होने के बाद इस आपको करने क्या है, फिर से आपको यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर देना, और प्लस वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद इस आपको यहाँ पे फिर से 16x9 का साइज सिलेक्ट कर लेना है। 16x9 का साइज सिलेक्ट करने के बाद इस आपको करने क्या है, सिंपली मीडिया पे क्लिक कर देना है आपको, और मीडिया पे क्लिक करने के बाद इस आपको यहाँ पे आपको बैकग्राउंड पे जाना, और यहाँ पे एक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेना। ब्लैक कलर का बैकग्राउंड लेने के बाद इस आपकी इसकी लेंथ कुछ इस तरीके से बढ़ा लेनी है। इस तरीके से बढ़ाने के बाद इस आपको करने क्या, सिंपली स्टार्टिंग पे आ जाना। स्टार्टिंग पे आने के बाद इस आपको करने क्या, लेयर पे क्लिक कर देना है, और मीडिया पे क्लिक कर देना। मीडिया पे क्लिक करने के बाद इस आपको यहाँ पे ये वाला टेम्पलेट वीडियो सिलेक्ट कर लेना। इस टेम्पलेट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर लेना,
और डाउनलोड करने के बाद सबको यहाँ पे इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है, और सिलेक्ट करने के बाद सबको करने के सिंपली इस थ्री डॉट पर क्लिक कर देना और इसको फुल स्क्रीन पे ऐड कर देना है। फुल स्क्रीन पे ऐड करने के बाद सबको करने के सिंपली यहाँ पे आपको इधर लास्ट के ऑप्शन पे आ जाना है, और लास्ट के ऑप्शन पे आने के बाद सबको इस कैंची का ऑप्शन भी क्लिक कर देना है। कैंची का ऑप्शन भी क्लिक करने के बाद सबको यहाँ पे ट्रिम ट्रेड प्लेट करके इसका एक्स्ट्रा का भाग कट कर लेना। एक्स्ट्रा का भाग कट करने के बाद सबको करने के सिंपली यहाँ पे कुछ इस तरीके से स्टार्टिंग पे आ जाना है, और स्टार्टिंग पे आने के बाद सबको करने के असेंबली यहाँ पे इस टेम्पलेट के ऊपर क्लिक कर देना। टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करने के बाद सबके नीचे ब्लेंडिंग का ऑप्शन पे जाना है। ब्लेंडिंग के ऑप्शन पे जाने के बाद सबको करने के असेंबली इसको स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद सबको यहाँ पे टिक कर लेना, और टिक करने के बाद सबके स्टार्टिंग पे आ जाना है और लेयर पे क्लिक कर देना। लेयर पे क्लिक करने के बाद सबको करने के असेंबली मीडिया पे क्लिक कर देना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद सबको यहाँ पे अपना ये वाला वीडियो सिलेक्ट कर लेना है जो आपने अभी एक्सपोर्ट किया था। तो इस तरीके से इस वीडियो को सिलेक्ट कर लेना, और सिलेक्ट करने के बाद गाइस आपको कुछ इस तरीके से इसको रोटेट कर लेना है। इस तरीके से रोटेट करके गाइस आपको इस वाले बॉक्स के अंदर ये वाला वीडियो इस तरीके से ऐड कर देना है। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हो, कुछ इस तरीके से इसको ऐड कर दिया हूँ। ऐड करने के बाद सबको करने के सिंपली थ्री डॉट पे क्लिक कर देना और इसको सेंड टू बैक कर देना। सेंड टू बैक करने के बाद सबको करने के सिंपली क्रॉपिंग के ऑप्शन पे जाना, और क्रॉपिंग के ऑप्शन पे जाने के बाद सबको इसका जो एक्स्ट्रा का भाग बाहर की ओर निकल रहा है तो इस तरीके से इसको क्रॉप कर देना है। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हो, मैं कुछ इस तरीके से इसको क्रॉप कर दे रहा हूँ। क्रॉप करने के बाद सबको करने के इसका मास्क इनेबल कर देना, और इसका फेदर कुछ इस तरीके से हल्का सा बढ़ा देना है। तो फेदर बढ़ाने के बाद इस करने के है सिंपली यहाँ पे टिक कर लेना। टिक करने के बाद सबको करने के सिंपली इस वीडियो के ऊपर क्लिक कर देना और इसके ऑडियो का ऑप्शन पे जाना है। इसके ऑडियो आपको यहाँ पे म्यूट कर देना है। ऑडियो म्यूट करने के बाद इसको करने के है यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो इस तरीके से होने के बाद सबको करने के इस वीडियो के ऊपर क्लिक कर देना और इस थ्रीआउट पर क्लिक कर देना है आपको, और इसको डुप्लीकेट कर लेना। डुप्लीकेट करने के बाद सबको एक वीडियो के ऊपर क्लिक करना, और एक वीडियो को उठा के कुछ इस तरीके से यहाँ पे लेके आ जाना है, और इसको इस तरीके से यहाँ पे आपको इस तरीके से फुल स्क्रीन पे आपको यहाँ पे ऐड कर देना। ऐड करने के बाद सबको थ्रीआउट पर क्लिक कर देना और इसको सेंड बैक कर देना। सेंड बैक करने के बाद सबको करने के सिंपली इसके रोटेट वाले ऑप्शन पे जाना और इसको कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे रोटेट कर लेना। रोटेट करने के बाद सबको करने क्या है सिंपली यहाँ पे आपको स्टार्टिंग पे आ जाना, और स्टार्टिंग पे आने के बाद सबको लेयर पे क्लिक कर देना है। लेयर पे क्लिक करने के बाद सबको मीडिया पे जाना है। मीडिया पे जाने के बाद सबको यहाँ पे एक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड ले लेना है। ब्लैक कलर का बैकग्राउंड लेने के बाद सबको उसका साइज कुछ इस तरीके से बढ़ा लेना और इसको लास्ट तक ले जाना है। लास्ट तक ले जाने के बाद सबको करने क्या है सिंपली इस थ्रीआउट पर क्लिक कर देना और इसको सेंड टू बैक कर देना। सेंड टू बैक करने के बाद सबको करने क्या है इस वाले वीडियो के ऊपर क्लिक करना है और इसको भी थ्रीआउट पर क्लिक करके इसको भी सेंड टू बैक कर देना। सेंड टू बैक करने के बाद सबको इसी ब्लैक कलर वाले बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक कर देना और इसकी अल्फा ऑपेसिटी पर जाना है। इसकी अल्फा ऑपेसिटी कुछ इस तरीके से अल्फा ऑपेसिटी आपको यहाँ पे 30 कर लेनी। 30 करने के बाद सबको करने के असेंबली स्टार्टिंग पे आ जाना और लेयर पे क्लिक कर देना है। लेयर पे क्लिक करने के बाद सबको मीडिया पे जाना है। मीडिया पे जाने के बाद सबको यहाँ पे ये वाला फुल स्क्रीन बॉर्डर पीएनजी सिलेक्ट कर लेना है। इस बॉर्डर पीएनजी का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से आकर इसको डाउनलोड कर लेना, और डाउनलोड करने के बाद सबको थ्रीआउट पर क्लिक कर देना और इसको फुल स्क्रीन पर ऐड कर देना है। फुल स्क्रीन पर ऐड करने के बाद सबको इसका साइज लास्ट तक ले जाना है। लास्ट तक ले जाने के बाद देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपका वीडियो बन के तैयार हो जाएगा। तो गाइस मैंने इस वाले टेम्पलेट वीडियो के ऊपर एक ऑडियो ऐड कर रखा है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे ऑडियो ऐड नहीं करूँगा। अगर आपको ऑडियो ऐड करना है तो इस तरीके से आपको इसका पहले ऑडियो आपको यहाँ पे म्यूट कर देना है। ऑडियो म्यूट करने के बाद आपको स्टार्टिंग पे आ जाना और अपने ऑडियो ऑप्शन में क्लिक करके अपने फोल्डर पे चले जाना है। फोल्डर पे जाने के बाद आपने जहाँ भी अपना ऑडियो डाउनलोड करके रखा हो आपको वहाँ से वो वाला ऑडियो सिलेक्ट कर लेना। ऑडियो सिलेक्ट करने के बाद आपको इसके लास्ट के ऑप्शन पे आना और इस ऑडियो के ऊपर क्लिक कर देना, और कैंची के ऑप्शन में क्लिक करके ट्रिम ट्रेड प्लेट करके इसके ऑडियो का एक्स्ट्रा भाग कट कर देना। एक्स्ट्रा भाग कट करने के बाद देख सकते हो वीडियो बन के कम्प्लीट तैयार हो गया है। तो इसको सेव करने के लिए आपको करने क्या है सिंपली इस शेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना और यहाँ पे 1080 रेशियो सिलेक्ट करके ब्राइटनेस आई करके इसको एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है।